नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DSSSB TGT की कन्फर्म एग्जाम डेट क्या है और कब आपका एग्जाम होगा, और 100% बिल्कुल रियल आपको बताएंगे, कोई फेक नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ ही साथ आपकी PRT वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है। ये मैं सोचना कि PRT वैकेंसी साल नहीं आएगी, वैकेंसी तो 100% आएगी, ठीक है। और ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि TGT की 2-3 बार आ जाए और PRT की एक बार भी नहीं आई। उनका एक शेड्यूल होता है, ठीक है। जैसे अब इन्होंने वैकेंसी निकाली, तब ये मान लो 2 साल बाद वैकेंसी निकलेगी। फिर अब इनमें नॉन टीचिंग की भी निकाल दी इन्होंने, PGT की भी निकाल दी थी और TGT की निकाल दी, PRT का नंबर है। वो PRT वैकेंसी कब आएगी, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ TGT का एग्जाम कब तक होगा आपका, सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSSB TGT एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो TGT वाले हैं ज़्यादातर मेन फोकस जो अपना सिर्फ NCERT पर रखना, ठीक। बताइए आपको, जो TGT वाले NCERT की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ मत भागना। इस बार तो एग्जाम का जो लेवल है नॉर्मली रहेगा, बीच में रहेगा दोनों के। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा PGT का वो क्या कह रहे हैं उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा पोर्शन बढ़ा देंगे TGT में, या फिर ग्रेजुएशन ज़्यादा पोर्शन बढ़ा दें, नहीं। ये आपके 12th लेवल तक ही रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा ग्रेजुएशन का ज़्यादा पार्ट नहीं देंगे इस बार, ठीक है। तो आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर आपको ज़्यादा उतना उलझना नहीं है कि आप इसके चक्कर में आपके NCERT हैं जो 9th से 10th, 11th से 12th या आपकी बेकार कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। अब बात करें एग्जाम डेट की, तो आपको 100% आपको बता दें एग्जाम आपका कब होगा। 100% आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई महीने में होगा, उससे पहले एग्ज़ाम होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब तो अभी देख लो, आपको मार्च तो आपका चला गया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने पास आपके पास बचे हैं। अब इस 3 महीने मौज मस्ती कर लो, तैयारी कर लो, ठीक है। तो आपको बताऊं, सबसे अच्छी बताऊं तो इसमें देखो सैलरी देखो कितनी अच्छी है। यहाँ पर सैलरी 85,000 पर मंथ है, तो इतनी सैलरी कोई ऐसा तो है नहीं बिना किसी आपको आपके पेपर नॉर्मली ले लेगा और आपको इतनी अच्छी सैलरी देता, नहीं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। और एग्ज़ाम मैंने बता दिया आपको, जुलाई में आपको 100% आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा किसी भी कीमत पर। किसी को लगता है कि भाई जैसे इलेक्शन खत्म होगा तुरंत रिजल्ट आएगा इलेक्शन को, उसके बाद एकदम से एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, और जुलाई में फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी। पता लग गया ना अब कि जो TGT की एग्जाम डेट है, चाहे आपका TGT SST से हो, ठीक है, TGT आपका साइंस से नेचुरल साइंस से हो, या TGT मैथ हो, कोई से भी आपका TGT हो, इसे साथ ही साथ जो नॉन टीचिंग के एग्जाम थे DSSSB, वो उनको भी साथ साथ ही कंडक्ट करवाएगा। यानी सबकी एग्जाम डेट आपको एक साथ ही देगा, चाहे आपका DSSSB MTS को, ठीक है, या स्टेनोग्राफी LDC कलर की 2-3 जो निकले थे ना अलग अलग, इन सबकी एग्जाम डेट एक साथ ही घोषित की जाएगी। और उसी दौरान ही जब इन सबका शेड्यूल चलेगा, उसमें आपका TGT का एग्जाम लिया जाएगा जुलाई में ही, ठीक। जुलाई से पहला कोई एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। तो आप लेकिन तैयारी करते रहिए साथ साथ ही, ठीक है, क्योंकि एकदम से जुलाई में ये नहीं पता कि वो 2-3 जुलाई को ले ले या फिर 10-12 जुलाई को ले ले, लेकिन ये पक्का कन्फर्म कि जुलाई के महीने में आपको एग्जाम ले लेंगे वे, ठीक। तो आगे बता दें आपको, जो मेन पार्ट है वो आपका जनरल पार्ट, ठीक है। जो जनरल पार्ट आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, GK GS आता है, उसकी मेन भूमिका रहती है। बट जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने सबने ये बताया कि जो मेन भूमिका ना आपकी, अगर DSSSB के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, चाहे आपका PRT हो, TGT हो, PGT हो, कैसे पेपर हो, ठीक है, उस पेपर में आपकी मेन भूमिका रहती है जनरल पार्ट की, ठीक है। ये मानो आपके सिलेक्शन में 60 से जो 70% भूमिका है वो आपका जनरल पार्ट ही निभाते, अगर आपके जनरल पार्ट अच्छे से तैयार कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ही ये सोचो, ये मान के चलो आप कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, क्योंकि सेकंड पार्ट है सबका मोस्टली पक्का नहीं होता, ठीक ठाक ही होता है सबका। जैसे मैंने बताया ना अभी, भाई इसमें NCERT की तरफ तो सब ध्यान देते ही हैं, अगर कई बार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्होंने वैल्यू बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, इनके बीच में रखेंगे, ठीक। तो जिसके इसमें अच्छे परसेंटेज नंबर आते हैं, पहले पार्ट में अच्छे नंबर आते हैं, वही सिलेक्शन के करीब जाता है, उसके सिलेक्शन होता भी है। अब किसी का भी इंटरव्यू देख लें जो DSSSB में सिलेक्टेड है, उन सब ने ये बताया कि भाई उनकी सबसे मेन भूमिका तो जनरल पार्ट की रही है। जनरल पार्ट में उन्होंने 100 में से किसी 80-85 इतने नंबर आए, 90 तक नंबर आए हैं, और सेकंड पार्ट में बहुत ही कम नंबर है, ठीक है। तो ये कि सेकंड पार्ट का सिलेबस फिक्स नहीं है कुछ भी, इसलिए सब किस पर ध्यान देते हैं, फर्स्ट पार्ट पर देते हैं। तो आपका भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है DSSSB के अंदर, चाहे आपका TGT हो, ठीक है, चाहे आपका DSSSB आपका PGT हो, या फिर आपका PRT हो, कैसे भी एग्जाम हो, तो आपकी जो मेन भूमिका किसकी रहेगी, वो रहेगी आपकी जनरल पार्ट की, ठीक है। जनरल पार्ट में अगर आप 100 में से अच्छे नंबर गेन कर पाते हो, 80-85+, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। सेकंड में सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। आपको पता ही है कि फर्स्ट पार्ट का जो क्वालिफाई मार्क्स है वो तो हटा दिया गया है, लेकिन सेकंड पार्ट में अभी भी है क्वालिफाई मार्क्स 40% आपका, कि 100 में से 40 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तभी आपकी सीट चेक होगी, आपका पेपर चेक होगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया मेन क्या था इसमें, कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी जुलाई है, 100% आपका पेपर TGT वालों को जुलाई में होगा, ठीक है। और ये क्या, वो अलग अलग दिन होगा, ऐसा नहीं है कि उस दिन TGT मैथ का भी है, SST का भी है, सबके एक साथ नहीं होगा। इस दिन एक दिन TGT साइंस का, एक दिन TGT मैथ का, एक दिन TGT SST का, इंग्लिश का, हिंदी का, सभी अलग अलग दिन चलेंगे, ठीक।
तो जनरल पार्ट की मेन भूमिका रहती है। और आपको सैलरी देखो 85,000, भाई कुछ तो इससे मोटिवेशन इससे ले लो, और कैसे मोटिवेशन नहीं लेते तो 85,000 सैलरी को ऐसे तो देगा नहीं। ठीक, अच्छे पेपर लेंगे भी, अच्छी तैयारी कर रही आप, और जुलाई आपके पास 2-3 अभी भी पड़े हैं, जुलाई में आपका एग्जाम होगा पक्का। अब आगे बात करते हैं DSSB PRT वैकेंसी की, कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, क्या चांसेस वैकेंसी आने के साल या नहीं है। तो आपको बताया मैंने पहले भी कि बिल्कुल भी ये मत सोचे चले कि वैकेंसी नहीं आएगी, 2024 में ये भर्ती कंप्लीट करेंगे, इनका ऐसा टारगेट है कुछ कि ये 2-2 साल के बाद वैकेंसी निकालते हैं DSSB वाले। ठीक है, तो ध्यान देना, कर जब यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग सब चीज़ें पोस्ट निकल चुकी है, PRT वैकेंसी 100% आएगी, ये मत सोचो कि भाई TGT की आ गई, क्या पता दोबारा फिर TGT की आ जाए और PRT की एक बार भी नहीं, PRT वैकेंसी आएगी, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम ले लेंगे, आपको हुआ भी नहीं आने की, इतनी जल्दी एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया मई लास्ट में पक्का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो 100% है जो जून के फर्स्ट वीक में 100% आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट नोटिस तो बहुत जल्दी, ये मई में आपको शॉर्ट नोटिस जारी कर देंगे, वैकेंसी आएगी PRT के लिए। ठीक है, और उसके तो फॉर्म चलेंगे आपके जून से 100% चलेंगे, और जुलाई अगस्त ये आपके जैसे इनके पेपर खत्म होंगे ना, तुरंत ये PRT के एग्जाम ले लेंगे, TGT का 100% पहले TGT का एग्जाम होगा, उसके बाद ही PRT का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि जुलाई में जैसे TGT का एग्जाम खत्म होगा, तुरंत ये अपना शेड्यूल PRT के लिए जारी कर देंगे। तो ध्यान रखना, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए, मेहनत करिए, मेन पार्ट क्या है वही मैंने जैसे बताया, जनरल पार्ट पे आपको मेन फोकस रखना है, वही आपको सिलेक्शन करीब लेकर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 2 महीने के बाद आपके है ना एग्जाम हो जाएगा, 100% वैकेंसी इसी साल ही आएगी और 2024 में ही आपको जॉब मिलेगी, समझ गए ना, 2024 में भर्ती क्लियर होगी, मैं सोचूँ कि 2025 तक जाएगा। ठीक, अगर एक चांस है इसके बाद जो है ना सीधा 2 साल के बाद चला जाएगा मामला, फिर वेट करना, किसी की कोई अवरेज हो जाएगा, फिर बाढ़ देखना कि हमें छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो 2 साल बाद आपके पास अच्छे खासे हैं, ठीक है, सॉरी 2 साल कह रहा हूँ, ये अच्छे खासे 3-4 महीने हैं, और 2 साल के बाद फिर इंतजार करोगे, भाई वही बात है कि किसी के कोई अवरेज हो गया, कोई कुछ हो गया, वेट ही करते रहना। तो DSSB में नौकरी लेने का अच्छा मौका आपके पास, हमने आपको बता दिया आपको एग्जाम डेट जुलाई में, TGT वालों की, नॉन टीचिंग वालों की भी, इसके साथ साथ जो PRT वैकेंसी आपके मई में आपको शॉर्ट नोटिस देखने मिलेगा, और जून में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में तो 100% फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके, और पेपर बहुत जल्दी लेंगे क्योंकि ना बहुत टाइम दे रखा भी। ठीक है, और शॉर्ट नोटिस के बाद ही ज़्यादा टाइम नहीं देंगे फॉर्म ऑनलाइन करने में, पेपर लेने में भी। ठीक, जैसे बताया नहीं, जैसे TGT के खत्म होंगे, नॉन टीचिंग खत्म होंगे, तुरंत ही ये PRT के एग्जाम आपका ले लेंगे, और रिजल्ट जारी कर देंगे, साल के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है, आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो, ठीक, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही आप DSSB के कोई भी नोट्स चाहते हो, चाहे आपके TGT के हो, किसी सब्जेक्ट के हो, या फिर आपके PRT के नोट्स हो, ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी भी टीचिंग एग्जाम के नोट्स हो, आप हमसे चाहते हो फ्री, बिना किसी पेड के, बिना किसी चार्ज के, हम आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।